काशी में क्रूज पर प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। चुनाव में विपक्ष को लेकर उन्होंने कहा कि नर्वसनेस शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में हर चीज को पाने के लिए तपस्या की है। इतना कॉन्फिडेंस, आप लबरेज हैं कॉन्फिडेंस से, मतलब आपको नर्वसनेस जरा भी नहीं है। पहली बात है शायद वो मेरी डिक्शनरी में शब्द नहीं है नर्वसनेस। दूसरा, मैंने जीवन तपस्या की है जी, मेरा पल पल मैंने खपाया है, देशवासियों के लिए खपाया है, अपने लिए नहीं खपाया है। और मैंने इनके लिए इसलिए खपाया है कि मुझे मालूम है कि बहुत ही डिजर्विंग लोग हैं। इनके साथ 70 साल तक अन्याय हुआ है और जब उनके आंसू कोई पूछता पहुंचता है, उनके टॉयलेट की कोई चिंता करता है, वो भूल नहीं सकता है। कोरोना का कठिन काल चूल्हा बुझने नहीं दिया था, बच्चों को भूखा सोने नहीं दिया था। क्यों? एक सरकार थी जिसने कहा था अनाज के भंडार पड़े हैं लेकिन हम दे नहीं सकते हैं। एक ये सरकार है जिसका संकल्प है किसी का घर का चूल्हा मैं बुझने नहीं दूंगा। पीएम मोदी से जब ये सवाल पूछा गया कि विरोधी आपकी छवि को तानाशाह बताते हैं, विपक्ष कहता है कि इनका परिवार नहीं तो परिवार का मतलब क्या समझेगा, इस पर पीएम ने कहा कि विपक्ष परिवारवाद से बाहर कब निकलेगा। मैंने दो पर्सनालिटीज आपकी बताई, एक तो बेहद इमोशनल, एक कड़ा प्रशासक, लेकिन आपके विरोधी इन दोनों के इतर एक ऐसी इमेज आपकी उकेरते हैं जिसमें आप ऑटोक्रेट है, तानाशाह हैं, जहां आपके कोई राजनीतिक साथी साथ नहीं होते हैं, आप किसी का साथ पसंद नहीं करते। वो कहते हैं ये आदमी क्या समझेगा परिवार, इसका तो परिवार ही नहीं है। सचमुच में सवाल उनको पूछना चाहिए कि आप देश के लिए निकले हो, परिवार के बाहर कब निकलोगे, ये सवाल उनको पूछना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी का पूरा कैंपेन फैमिली कैंपेन बन गया है, बाकी सारे दल इंडिया अलायंस के हैं। आप तमिलनाडु देखिए, परिवार कैंपेन कर रहा था, आप कर्नाटका देखिए, परिवार कैंपेन कर रहा था, आप आंध्र देखिए, परिवार कैंपेन कर रहा था, आप तेलुगु तेलंगाना देखिए, परिवार कैंपेन, आप उत्तर प्रदेश देखिए, दो परिवार कैंपेन कर, जम्मू कश्मीर देखिए, दो परिवार कैंपेन कर रहे हैं। सवाल मीडिया के उनको होने चाहिए कि क्या हुआ कि इतने साल के बाद भी आप परिवार से बाहर निकल क्यों नहीं पाते हो। मैं परिवार से जुड़ा नहीं हूं, ये गुनाह नहीं होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। ये लोकतंत्र की सबसे ऊंची अमानत है कि जो इंसान अपने परिवार के लिए नहीं जीता है। पीएम मोदी से जब सवाल किया गया कि आपको सच में तकलीफ नहीं होती कि जब विपक्ष आपको इतना कोसता है, इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने हंसते हुए कहा निंदक नियरे रखिए, उनकी गालियों से ही मोदी बड़ा बना है। मतलब आपको आपको सच में तकलीफ नहीं होती, आप वाहिद ऐसे शख्स हैं पॉलिटिकली जिसको इतना कोसा गया है, और ये अतिशयोक्ति नहीं है जब मैं आपसे कह रही हूँ। मतलब आप किसी भी पर्सनैलिटी को सोचिए तो उसको विपक्ष की तरफ से ऐसे नहीं कोसा गया जैसे आपको कोसा गया है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि निंदक नियरे राखिए, और मैं ये साफ मानता हूं अगर इतने आलोचक न होते, टीवी मीडिया का वो जमाने में थोड़ा कम था, लेकिन जो भी बैठे थे वो एक विचारधारा से प्रेरित लोग थे, वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि इस आदमी को गालियां दे दे करके हम इस पूरे एक इंस्टीट्यूट को और पूरे एक विचार प्रभाव को ही तबाह कर देंगे। ये भूल गए कि उन्होंने ऐसा करके मुझे बहुत बड़ा बना दिया, वरना मुझे कौन जानता था जी। ये गालियों देने के कारण, और इसलिए मैं आपको आश्चर्य, मैं गुजरात में पब्लिक मीटिंग करता था ना, तो मैं पूछता था कि कोई काले झंडे वाला आया है कि नहीं आया है। तो फिर वो मेरे सामने, मैंने कहा भाई दो चार काले झंडे वाले लाइए, तभी तो कल अखबार में आएगा कि मोदी जी ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया।
मैंने कहा एक लाइन नहीं छपेगी, दो चार काले झंडे वाले रखो भाई, क्योंकि मेरा पॉजिटिव प्रचार संभव ही नहीं है। तो मैंने कहा कोई नेगेटिव वाला आ जाएगा तो कम से कम ये खबर आएगी कि मैं मोदी उस गांव में वो कार्यक्रम कर रहा था, क्या कर रहा था वो भी नहीं आएगा तो फिर कोई सोचेगा। पीएम मोदी से जब मुसलमानों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो कभी हिंदू मुसलमान नहीं करते और ना ही करेंगे, ये उनका संकल्प है। हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं मोदी जी, न्यूज 18 इंडिया का वो कार्यक्रम है मोदी वतन मुसलमान। हम ज्यादातर उन जगहों पर जाते हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता भारी संख्या में है। पहले आलम अलग था और आज की तारीख में मैं आपको पूरी गंभीरता से और संजीदगी से कह सकती हूँ कि ऐसे ऐसे मुसलमान आगे आते हैं जो आपके लिए जान दे सकते हैं। और एक उनका वाक्य है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, बड़ा जोर शोर से ऐसे करते हुए नजर आते हैं। बावजूद उसके आप उस धारणा को तोड़ने में क्या नाकामयाब रहे हैं कि मोदी मुसलमानों का नहीं है? पहली बात यह है कि ये मुद्दा मुसलमान का नहीं है, इंडिविजुअल मुसलमान कितना ही मोदी के साथ होगा लेकिन एक निश्चित विचार प्रवाह है जो उनको आदेश करता है कि आप ये करो या वो करो, उसके आधार पर वो निर्णय करते हैं। जहाँ तक मोदी का सवाल है, क्योंकि तो मैं स्कूल में, एक तो मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार हैं, तो हमारे घर में ईद भी मनती थी, हमारे घर में और भी त्यौहार होते थे। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता था, सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था, क्योंकि मेरे परिवार, हम रहते वहीं हैं, मेरा घर वहीं है, मेरे यानी 5 कदम के बाद मुस्लिम परिवार है। जब मुहर्रम निकलता था तो हमारा कंपलसरी होता था कि उससे नीचे से निकलो, जैसे परिक्रमा करते हैं ना मंदिरों, ताजिए के नीचे, हाँ, तो ताजिए के नीचे से निकलो, हमें सिखाया जाता था। तो मैं उस दुनिया से पला बढ़ा, आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन मैं इसका मार्केटिंग नहीं करता हूँ। क्यों? मेरा पहले से मंत्र रहा है सबका साथ सबका विकास, मैं वोट बैंक के लिए काम नहीं करता हूँ, और जो गलत है वो सब मैं गलत कह के रहूंगा। स्टेज पर आपने मुसलमानों का जब जिक्र किया तो घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी थी? मैं हैरान हूँ जी, ये किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? क्यों मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं आप? हमारे यहाँ गरीब परिवारों में भी ये हाल है जी, उनके बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, किसी भी समाज के हो, गरीबी जहाँ है वहाँ बच्चे भी ज्यादा है। तो आप कह रहे हैं मुसलमान अलग था, ज्यादा बच्चा पैदा करने मैंने वाला अलग था? मैंने न हिंदू कहा है न मुसलमान कहा है, मैंने कहा है कि भाई आप उतने बच्चे हो जिसका आप लालन पालन कर सको, सरकार को करना पड़े ऐसी स्थिति मत करो। इस बार मुसलमान आपको वोट देगा, आपको उनके वोट की चाहत है? मैं ये मानता हूँ कि मेरे देश के लोग मुझे वोट देंगे, मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। पीएम मोदी से जब ये सवाल किया गया कि 400 पार अगर मोदी लाएगा तो विपक्ष क्या करेगा, इस पर उन्होंने कहा कि वो इसलिए ही मेहनत करते हैं ताकि विपक्ष मजबूत हो। कहा जाता है कि 400 पार अगर मोदी ले आएगा तो फिर विपक्ष क्या करेगा, विपक्ष एक मजबूत स्थिति में होगा तभी तो लोकतंत्र चल पाएगा। आप क्यों चाहते हैं कि सब आप ही के पास आ जाए? मैं चाहता हूं कि विपक्ष मजबूत बने, मैं इसी के लिए मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मजबूती का मतलब ये नहीं कि हाउस न चलने दे, हुड़दंग करे, अनडेमोक्रेटिक वे में काम करे। भारत का दुर्भाग्य है कि पिछले 10 साल ये लोग पूरी तरह विपक्ष के रूप में भी फेल गए, उनके खाते में विपक्ष के नाते काम किया एक काम नहीं है। जो लोग विपक्ष में फेल गए
वो शासन में कैसे सफल हो सकते हैं। और भारत में मजबूत लोकतंत्र की बहुत आवश्यकता है, मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है, और इसलिए शरद पवार ने एक अच्छा सुझाव दिया है और मैं उसका स्वागत करता हूँ। उन्होंने सुझाव दिया है कि सभी छोटी पार्टियों ने कांग्रेस में मर्ज कर देना चाहिए। कांग्रेस में मर्ज करना नहीं करना, कहाँ करना, वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन इसका अर्थ मैं ये निकालता हूँ, अगर ये मर्ज हो जाते हैं, क्योंकि उनको चिंता ये है इस चुनाव में मान्य विपक्ष संभव नहीं होगा, इतने सीटें भी नहीं आएगी कोई रिकग्नाइज अपोजिशन बने, और इसलिए अगर मर्जर कर देंगे तो नंबर थोड़ा हो जाएगा, हम मान्य विपक्ष बनेंगे। दूसरा, आपको आश्चर्य होगा, मैंने कानून में परिवर्तन किया था। हमारे यहाँ बहुत सी योजना ऐसी है, बहुत सी कमेटियाँ ऐसी है जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन बैठ सकता है और बड़े महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, तो मैंने कानूनी परिवर्तन किया कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन है ही नहीं, क्योंकि 2014 से 19 तो उनके पास सीटें नहीं थी। मैंने कहा लार्जेस्ट पार्टी का लीडर उसको बिठाओ, मैं इतना डेमोक्रेट हूँ, वरना मैं नहीं बिठा था, मुझे कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने किया है। जब पीएम मोदी से सवाल किया गया कि आप थकते क्यों नहीं, तो वे मुस्कुरा कर कहने लगे कि मुझे परमात्मा से ऊर्जा मिलती है, मुझे पक्का यकीन है कि ईश्वर ने मुझे भेजा है, इसीलिए उसका काम करने में थकान नहीं होती। 5 साल पहले मैंने आपसे कहा था आप थकते क्यों नहीं हैं, आज 5 साल बीत जाने के बाद आप ज्यादा एनर्जेटिक मुझे लग रहे हैं, ज्यादा आपने रैलियां की है, ज्यादा आप काम कर रहे हैं, आप वाकई थकते क्यों नहीं हैं? पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता तो मैं कन्विंस हो चुका हूँ, गलत हो सकता हूँ, लोग आलो लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियाँ उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे, मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है, ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है, इसलिए मुझे विधा भी दी है, इसलिए मुझे सामर्थ्य भी दिया है, इसलिए मुझे नेक दिली भी दी है, और प्रेरणा भी वही दे रहा है, पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य भी दे रहा है, और मैं कुछ नहीं हूं, एक इंस्ट्रूमेंट हूं जो ईश्वर ने मेरे रूप में मुझसे लेना तय किया है, और इसलिए मैं जब भी कुछ करता हूं तो मैं मानता हूं शायद ईश्वर मुझसे करवाना चाहता है कि आपका नाम होगा, चिंता छोड़ो, मैं सिर्फ ईश्वर को समर्पित हूं। दूसरा, लेकिन उस ईश्वर को मैं देख नहीं सकता हूं, तो मैं भी एक पुजारी हूं, मैं भी एक भक्त हूं, तो मैंने 140 करोड़ देशवासियों को ईश्वर का रूप मान करके चलता हूं, वही मेरे भगवान। वक्त एक ब्रेक का है।